बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। टुडे आई एम हेयर फ्रॉम अंबर साइंस एकेडमी विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 ऑफ लेवल 10, दैट नेम इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 3 के वही चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है और ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं, उनकी डायग्राम जैसे आपको ब्रेन की नज़र आ रही होगी मैंने ऑलरेडी कर ली है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में समझाऊंगी। बट बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू फॉलो, डू शेयर माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी रिसेंट जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मूविंग अहेड टूवर्ड्स अवर टूडेज टॉपिक, आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेन जो होता है वो आपकी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है। सारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं दीज आर ऑल बींग कंट्रोल जस्ट बाय द ब्रेन। तो ब्रेन कैसे होता है और उसको क्या सपोर्ट कर रहा होता है, सबसे पहले हम ब्रेन का ब्रीफ सा एक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ दैट अ ब्रेन इज़ बीइंग प्रेजेंट इन अ बोनी स्कल। ठीक है, बोनी स्कल का मतलब ये जो हमारे हार्ट सा एरिया होता है ना सर का, इट्स अ बोनी स्कल, इसको हम क्रैनम कहते हैं। ठीक है, इस क्रैनम को हम बोनी स्कल कहते हैं जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो पड़ा होता है या रखा हुआ होता है। ठीक है, अब इस ब्रेन को फर्दर कुछ रिंग्स टाइप आप कह लें, कुछ लेयर्स होती हैं उसके इर्द गिर्द जिसको हम पढ़ते हैं मेनिंजेस। क्या पढ़ते हैं, मेनिंजेस। तो ये मेनिंजेस जो होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं एंड सो ऑन, ये ऑक्सीजन फ्राहम करती हैं कैपिलरीज को, ब्लड को एंड सो ऑन आपके ब्रेन को। उसके बाद क्या आ जाता है, आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस ब्रेन के अंदर जो इसको फ्रिक्शन से बचाता है, मींस के आपका ब्रेन जो है उसके अंदर एक जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो आपके ब्रेन के अंदर ऑल ओवर द ब्रेन प्रेजेंट होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए that our brain is being present in a skull, bony skull, ठीक है, bony skull होता है जिसको हम पढ़ते हैं cranium। क्या पढ़ते हैं, cranium। ठीक है, cranium bony skull को कहते हैं। उसके बाद there are three layers around it, three layers, तीन layers होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं meninges। ठीक है, meninges होती हैं, इसको cover up कर रही होती हैं। then there is a fluid, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये आपका जो है इंट्रो आ जाता है ब्रेन का, इंट्रो, फाइन, इंट्रोडक्शन आप कह लें, आपने इसकी हेडिंग के अंदर ये चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपके ब्रेन के टॉपिक के अंदर, दैट इज़ अबाउट देयर टाइप्स। अब ये कितने टाइप्स और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द ब्रेन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, आई एम राइटिंग ओवर हियर ब्रेन। ठीक है, अब इसको मैं कर रही हूँ डिवाइड इनटू थ्री पोर्शंस। नंबर वन पोर्शन इज फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, देन इज मिड ब्रेन, then is hind brain, fine, hind brain। इनके भी आगे फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं, अब वो पार्ट्स पहले लिख लेते हैं फिर मैं डायग्राम से आप लोगों को बताऊंगी। नंबर वन इन द फोर ब्रेन इज थैलमस, नंबर टू इज हाइपोथैलमस एंड नंबर थ्री इज द लार्जर पोर्शन, द लार्जर पार्ट, द फ्रंटर पोर्शन, सेरिब्रम। मिड पोर्शन में कोई फर्दर डिवीजन नहीं होती, वेयर एज हाइंड ब्रेन में सबसे पहले आ जाता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा, सेकेंड आ जाता है आपका पोन्स एंड देन कम्स द सेरिबेलम।
अब आपने ये डिफ्रेंशिएट करना है कि आपका सेरिब्रम किस में आता है, सेरिबेलम किस में आता है। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है जो फ्रंटल पोर्शन होता है, सेरिब्लम जो होता है वो हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स के साथ प्रेजेंट होता है। नाउ वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेबल द डायग्राम, डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइंड ब्रेन से, नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड टू फ्रंटल पोर्शन, पहले ऊपर चलते हैं। नाउ दिस पोर्शन आई एम लेबलिंग इज द नोन एज फोर ब्रेन। फर्स्ट फ्रंटल पोर्शन इज कॉल्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेरिब्रम। This portion here lies the thalamus. Thalamus. Here comes the hypothalamus. And here is the, this portion is the hypothalamus and this is that. Okay, this here it comes the pituitary gland. Pituitary gland yahan pe hote hain. This is what this is called. Here comes the pons. This is medulla oblongata. This is called cerebellum. Leaf-like structure is called cerebellum. And here the spinal, this portion is called spinal cord. Spinal cord. So this was all about your forebrain. Here is the, this portion is midbrain, जो कि center point बनता है उनका. This is called midbrain. I am going to highlight it with the red one so that you should understand it. This, these are the labelings. So this is the brain. Forebrain, midbrain. And this forms cerebellum, pons, medulla. These all three forms the hindbrain. Fine. Now let us discuss about all these structures. First of all, we are coming toward the thalamus. Thalamus क्या होता है? Thalamus जो होता है, it is basically, now we will see through the diagram. It is present, this is the thalamus, it is present behind cerebrum. ठीक है? ये cerebrum के पीछे present होता है और इसके कुछ functions होते हैं जो कि, for example, ये क्या करता है? ये आपके consciousness और आपके sleeping और awakening को आपके ये control करता है. ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये आपका सबसे पहले ये चीज़ इसमें मिसिंग हो गई है कि थैलेमस क्या होता है। ये आपका रिलाइज सेंटर है बिटवीन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये रिलाइज स्टेशन है, मींस कि यहाँ पे, यहाँ से इंफॉर्मेशन इधर से उधर मूव करवाई जाती है। देन कम्स योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस इज जस्ट प्रेजेंट बिलो योर थैलेमस। और ये क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मींस के कुछ हार्मोन सिक्रीशंस होनी होती हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है ये ब्रेन के साथ साथ, जहाँ से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन लेवल को, आपकी हाइट को, और उसके अलावा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके जो भी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारे क्या है, वो आपकी ग्लैंड्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उनको हेल्प आउट कौन कर रहा होता है? उनको ये हाइपोथैलेमस जो है, इसके साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जस्ट साइज ऑफ आलमंड आप कह सकते हो, ठीक है, बादाम के साइज का होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये साथ में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस के बिल्कुल बिहाइंड प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब ये आपके क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है, ये आपके इमोशंस भी कंट्रोल करता है, और उसके अलावा आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ और भी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑल्फैक्टरी जो आपके नोज से रिफ्लेक्सेस आ रहे होते हैं ना, ये वो कंट्रोल नहीं करता। उसके अलावा ये सारे आपके सेंसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये एक बात आपकी बुक में मेंशन है दैट इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस अदर देन द ऑल्फैक्टरी इम्पल्सिस। ऑल्फैक्टरी कहते हैं स्मेलिंग टाइप, ठीक है, जो स्मेल से रिलेट करती है, नोज़ के ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल नहीं करता हाइपोथैलेमस। देन वी आर कमिंग अहेड टूवर्ड्स अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? दिस ऑल पोर्शन इज कॉल्ड सेरिब्रम। फ्रंटल पोर्शन ऑफ योर हेड मीन्स फ्रंटल पोर्शन हमारा जो होता है ये सेरिब्रम बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये
आपके आपकी थिंकिंग में, आपके स्केलेटल मसल मूवमेंट में, आपके इमोशंस में, आपकी हर चीज़ जो कंट्रोल हो रही होती है वो आपके सेरिब्रम के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये दो आप कह सकते हो ये इसकी डिवीजंस होती हैं जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ये आपके दिमाग को इस तरह डिवाइड कर देता है जिसको हम पढ़ते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, टू डिवाइड द ब्रेन इनटू टू और मींस टू में करेंगे तो ये फोर सेक्शंस इसके बन जाते हैं। उसके बाद इस फोर लोब्स भी मैं आपको बताऊंगी। अब क्या होता है कि सेरिब्रम के अंदर जो अब दो पोर्शंस बन गए हैं, अब उनको हम डिवाइड ऐसे करते हैं, द फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, द फर्स्ट पोर्शन दैट कम्स इन सेरिब्रम इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये एक ब्रेन है, इसको हमने यूँ डिवाइड कर दिया है। दिस पोर्शन इज हैविंग द सेरिब्रल, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड दिस इज कॉल्ड सेरिब्रल मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अब इनके अंदर क्या है, हेयर इज प्रेजेंट द ग्रे मैटर, आप यूँ पढ़ लें, ग्रे मैटर होता है और यहाँ पर वाइट मैटर होता है। यहाँ पे जो है माइलिनेटेड होती हैं सारी चीज़ें, मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड शीट का एक फंक्शन आपका बताया था कि वो बहुत इंसुलेशन फ्रॉम देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। ग्रे मैटर माइलिनेटेड होता है, ठीक है, माइलिनेटेड शीट होती है इसके अंदर, वेयर एज इन द सेरिब्रल मेड्यूला वाइट मैटर होता है यहाँ पे, और ये नॉन माइलिनेटेड होती हैं, नॉन माइलिनेटेड होती हैं ये। तो ये आपका सारा जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं वो इस अंडर आएंगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेड्यूला के अंडर, ठीक है, और मेड्यूला, और ये दोनों चीज़ें किसके अंडर आएंगी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। आपको ये याद रखना है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, द डिवीजन ऑफ द ब्रेन इनटू टू, तो उसके अंदर एक आ जाता है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एक आता है सेरिब्रल मेड्यूला। उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर वाइट मैटर, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं, वेयर एज द सेरिब्रल मेड्यूला इट इज़ हैविंग द वाइट मैटर एंड इट इज़ हैविंग नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। वेयर एज फर्दर द सेरिब्रम इज़ हैविंग फ्यू काइंड ऑफ लोब्स, कुछ लोब्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो लोब्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपकी आ जाती है पैराइटल, देन कम्स फ्रंटल, देन ऑसिपिटल, देन लास्ट इज द टेम्पोरल। आपके पेराइटल जो होती है ये आपके स्किन रिलेटेड होती है, ठीक है, आपके स्किन के इश्यूज को सॉल्व करती है, आपके स्किन के फंक्शंस में हेल्प आउट करती है, वेयर एज अ फ्रंटल हेल्प्स इन द स्केलेटल मूवमेंट्स, स्केलेटल मूवमेंट्स में हेल्प करती है, एंड ऑसिपिटल आपकी विजन में हेल्प करती है, मीन्स आपको देखने में हेल्प आउट करती है, विजन में आपको सपोर्ट करती है, टेम्पोरल इन द हियरिंग एंड स्मेल। ये थे आपके लोब्स जो कि आपके, अब सबसे आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का जो आपका पोर्शन सबसे बड़ा है तो वो फोर ब्रेन है, जबकि फोर ब्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा पोर्शन है उसको आप पढ़ेंगे सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम क्यों है, क्योंकि मैंने डिटेल बता दी, लोब्स भी इसके अंदर आती हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये था अब हमारा फोर ब्रेन, नाउ वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स मिड ब्रेन। ये बहुत छोटा सा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का मकसद क्या होता है, दिस पोर्शन आई एम हाईलाइटिंग और कलरिंग इज द मिड ब्रेन, ये अब मिड ब्रेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। अब देखिए इसका काम क्या बन रहा है, इट्स मेन फंक्शन इज टू कनेक्ट द टू थिंग्स, मिड ब्रेन इज फंक्शन इज टू कनेक्ट हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन। यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देती हूँ, कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये इसका फंक्शन है, और इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है, आपके ऑडिटरी जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो सारे ये कंट्रोल करता है।
So this was the midbrain. Now moving ahead to another important thing, that is medulla oblongata, that comes under the forebrain. अब हम forebrain को पढ़ लेते हैं. Forebrain क्या होता है? Forebrain जो होता है वो आपका last portion of the brain होता है, जो मैं यहाँ पे आपको highlight भी किया है, जिसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं. Number one is cerebellum, medulla oblongata and pons. सबसे पहले medulla oblongata को पढ़ लेते हैं. Medulla oblongata जो होता है ये आपके क्या क्या control करता है, ये आपके emotions को control करता है, ठीक है, आपके गुस्से को, पेन को, perception को, आपकी खुशी को, आपकी sadness को, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. उसके अलावा आपके बहुत सारे और दीगर जो functions होते हैं वो medulla oblongata के under control होते हैं. आपकी hunger, आपकी thirst, ये सारी चीज़ें. hypothalamus भी control करता है और ये medulla oblongata के अंदर भी आ जाता है. Then comes your pons. Pons का function भी यही होता है कि ये spinal cord से medulla oblongata spinal cord के ऊपर present होता है, उससे ऊपर जो है pons present होती हैं, ठीक है. Pons का function भी simple है, वो भी क्या करता है, connection provide करता है between spinal cord and the medulla oblongata. उसके बाद आपका आ जाता है last portion, that is called cerebellum. Cerebellum जो होता है वो इस तरह का structure होता है जो side पे present होता है, other than side to the spinal cord, to the midbrain. और इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, वो भी इसी तरह के होते हैं. ये आपके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है और आपके दीगर फंक्शंस को कंट्रोल करता है. दैट आर बीइंग मेंशन ओवर देयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेन. आई हैव डिस्क्राइब इट इन वेरी डिटेल. आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड इट. ये जो आपके लोब्स हैं ये आपने फुल लिखना है, दैट इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ योर स्किन, इट प्रोटेक्ट्स द स्किन बाय रिलीजिंग सम काइंड ऑफ हार्मोन्स और एनी अदर थिंग यू कैन से बाय सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. फ्रंटल स्केलेटल मसल मूवमेंट में और दीगर आपके फंक्शन मेंशन है उसमें हेल्प करता है. ऑसिपिटल आपकी वीएन में, सीइंग में, साइट में हेल्प करता है. टेम्पोरल हियरिंग और स्मेलिंग में हेल्प करता है. और इसी तरह आपने डायग्राम बनानी है एंड लेबल इट विद इन अ वेरी गुड वे एंड यू हैव टू यूज़ द हेडिंग्स एंड द सब हेडिंग्स एज वेल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप दैट यू लाइक इट. डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड डू शेयर माई चैनल एज मच एज यू कैन एंड थैंक सो मच.